हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप यू आर डूइंग फाइन सेफ सिक्योर एट यू प्लेस सो आज की वीडियो में मैं आपको लिपस्टिक रिव्यू बताने वाली हूँ विद डेमो सो विदाउट एनी डीजल लेट्स गेट इनटू इंटर वीडियो सो गाइस इस लिपस्टिक की बात कर लेते हैं पहले तो इसकी पैकेजिंग की बात करते हैं प्लास्टिक के बुलेटन के कवर में आता है आपको यहाँ से इसको ऐसे खोलना पड़ता है सो इसका ये है ये यह नॉट यहाँ पर है आपको इसको ऐसे रोल ऑन रोल अप करके फिर आपको ऐसे करना पड़ता है फिर जाके प्रोडक्ट जो है वो बाहर आता है इसके साथ यहाँ ही कटते कटते आपको यहाँ पे जो ये है आपको इसको भी करना पड़ता है इसको भी ऐसे रोल करना पड़ता है इट कैसे फिर जाके प्रोडक्ट बाहर आता है इसको मैंने काफ़ी यूज़ किया है इसलिए थोड़ा सा ऐसा हो गया है अब हम इसकी बात करते हैं जो इसका जो शेड नंबर है वन ज़ीरो टू है शी सो मैट एंड ट्रस्ट में दिस इज़ सो so सो सॉफ़्ट काफ़ी सॉफ्ट है काफ़ी सॉफ्ट रहता है आपके लिप्स पे काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है जब आप इसे लगाते हो बट ये फोर टू फाइव आवर्स ये आपके लिप्स पे stay करता है उससे ज़्यादा नहीं करता अगर आप इसे कुछ खा लेते हो या कुछ पी लेते हो तो ये थोड़ा सा चला जाता है यहाँ यहाँ से यहाँ यहाँ से थोड़ा पूरा ही चला जाता है बट ये आपको वापस से लिगाना पड़ता है टॉपअप करना पड़ता है आपको ये टचअप करना पड़ता है तो अगर आपके लिपस्टेक लगा रहे हो ले रहे हो तो आपको ये आपके साथ कैरी हमेशा करना पड़ेगा थ्रू आउट द डे आपको उसको लगाने के लिए बट इसमें मुझे प्लस पॉइंट ये लगता है कि जब आप इसे लगा लेते हो ना तो ये पूरा ही नहीं हट जाता है आपके लिप्स से ये रहता है आपके लिप्स का जो ओरिजिनल जैसे कि किसी के ब्लैक ब्राउन या जो भी शेड होता है जैसे कि मेरे डुबल शेड है मेरे नीचे के लिप्स पर इनके ऊपर के ब्राउन होते जा रहे हैं आई डोंट नो व्हाई अब तो ब्लैक भी हो गया है गेस तो ये वैसे नहीं रहता है ओरिजिनल शेड ये कभी भी नहीं रहेगा मतलब आपके लिप्स का थोड़ा बहुत हल्का सा ये रहता ही है और ये काफ़ी सॉफ्ट फिलवटी वो है और ये जो है आई गेस थ्री ग्राम्स का है थ्री पॉइंट समथिंग ग्राम्स का है ठीक है या नाइन हंड्रेड एम एल नाइन हंड्रेड एम जी का है ये और जो इसका शेड मैंने बता दिया वन जीरो टू शी सो मैट इसका जो शेड नंबर ये है और uh, इसके प्राइसिंग की बात करें तो जो इसकी प्राइसिंग है दैट इज़ अराउंड एट हंड्रेड है दैट इज़ अराउंड एट हंड्रेड है ओके okay? तो एट हंड्रेड के अकॉर्डिंग मुझे ये लगता नहीं है कि वर्थ यू नो बाइंग है आप ले सकते हो इफ़ यू वांट लाइक बुलेटिन लिपस्टिक्स एक टाइम पे काफ़ी चलती थी बट अब हम मैट लिक्विड लिपस्टिक्स की तरफ हमारा ज़्यादा वो है क्योंकि वी आर पेइंग फॉर समथिंग और फिर उसका यू you नो know, अगर आप वो नहीं रह रहा है आपके लिप्स आपको टॉप अप करना पड़ रहा है बट देर आर पीपल हु लव टू टॉप अप एंड टच अप करते हैं आई सीन एन मेट्रो एंड सेवरल प्लेसेस तो वो जाके कर लेते हैं इफ़ यू आर द पर्सन हु कैन डू इट इन पब्लिक प्लेस दैन गो फॉर इट। आई एम नॉट दैट कइंड ऑफ पर्सन ट्रस्ट मी सो बट येस दिस इज माई लव आई रियली लव दिस शेड द लिपस्टिक द टेक्सचर, एवरीथिंग क्वालिटी ऑफकोर्स इट्स वॉरियल पेरिस तो ऑफकोर्स इसकी बात ही अलग होगी हाँ एट हंड्रेड की है लगती नहीं है बट भाई साहब चलती बहुत है बहुत चलाई है मैंने और चले गए तो बहुत चलती है बहुत सॉफ्ट है तो मेरे लिए तो ये लिपस्टिक है बस वही है कि ज़्यादा देर तक स्टे नहीं करती आपको वापस है टचअप करना पड़ेगा मी शो यू द स्वाचेज सी इट्स अ न्यू डिश पिंक लिपस्टिक और यू कैन से इट्स अ वेरी 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 सुंदर शेड ये बहुत सुंदर शेड है गाइस ट्रस्ट मी और इसका ये बिल्कुल वेलवेटी सा है बहुत ही स्मूथ है बहुत ही सिल्की सा है यह आपके स्मूथ सा लगता है आपके लिप्स पे तो मैं आपको ये लगा के दिखाती हूँ देखा आपने कितनी लग गया और कितना प्यारा लग रहा है ये न्यूडिश पिंकिश ऑरेंजिश शेड है कैलो और ज़्यादातर ये पिंक में आता है बट ये कैमरा में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है बट जब आप ये शेड बाई करोगे तो ये काफ़ी सुंदर शेड है कॉलेज गर्ल्स कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है आप इसे डेली यूज़ पर लगा सकते हो और अगर आप ऑफिस जा रहे हो बहुत सटल सा मेकअप करना पसंद करते हो तो दिस लिपस्टिक इज़ बेस्ट फॉर यू यू शुड गो एंड ट्राई दिस लिपस्टिक मैं इसका जो लिंक है वो बायो में बायो सेक्शन में दे दूँगी बायो सेक्शन सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैं दे दूँगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो यस इस लिपस्टिक की वीडियो रिव्यू पे तो आपको पता है आपको क्या करना है लाइक करना है शेयर करना है सब्सक्राइब करना, करना है मेरे चैनल को मैं मिलूँगी आप अपने नेक्स्ट वीडियो में चिल्ड्रन बाय गाइस टेक केयर लव यू ऑल